Hey, what's up guys? This is me, Lovjit Arora. स्वागत है आपका आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग क्लास 10th IT 402, आप लोगों का जो चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और आपके पास ओपन ऑफिस कैल्क के अंदर आपको ये सारे प्रैक्टिकल करने हैं। तो मैंने ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, क्योंकि तो ये फर्स्ट वीडियो है तो आपको सारी डिटेल में चीजें बता देती हूँ। स्वागत करते हैं आप सभी बच्चों का इस क्लास के अंदर। ठीक है, जैसे ही आप मेरे इस चैनल पर पहुंचेंगे तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाइएगा। क्रिएटेड प्लेलिस्ट में जैसे ही आप पहुंचते हैं, तब थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यू विल चेक इट आउट हियर कि यहाँ पर देखो एंटरप्रेन्योरशिप, डेटाबेस मैनेजमेंट, एंड मतलब मैंने ये एक साथ ही चीजें कराई थी, वेब एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। तो आपका पूरा सिलेबस देखो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन स्किल हो गया ये आपका, सेल्फ मैनेजमेंट, और ये आपकी पूरी यहाँ पर मैंने ऐड कर दी है क्लास 10th वाले। तो अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपको एक बार ओपन करके दिखाती हूँ। आपके सारे टॉपिक्स करा दिए। अभी जो सीरीज स्टार्ट हो रही है उसमें मैं आपको 5 मिनट के अंदर हर एक टॉपिक का एक वन शॉट है जो देने वाली हूँ। तो 5-5 मिनट के अंदर आपकी सारी चीजें हो जाएंगे, आप इनको भी वॉच आउट कर सकते हैं फॉर डिटेल। एंड अब जो मैं बताने वाली हूँ वो 5-5 मिनट की सीरीज स्टार्ट होगी, क्योंकि तो ये मेरी पहली क्लास है तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन मिनट्स को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन। ऐसा कुछ है कि आपके पास अलग अलग जगह पर, अलग अलग शीट्स पर आपके पास डेटा पड़ा हुआ है। अब आप उस डेटा को एक जगह एक उसकी समरी बना रहे हैं। समरी इन द सेंस कि जैसे मान लो आपके क्लास 10th हिंदी के मार्क्स हैं, फिर आपके आईपी के, आईटी के हैं या मैथ्स के हैं, तो अलग अलग जगह पर आपका डेटा है जो पड़ा हुआ है। अब उन डेटा को आप एक जगह लेकर के आ रहे हो, आप सबके मार्क्स या तो जोड़ रहे हो या फिर उन सारे मार्क्स में से कुछ मैक्सिमम ढूंढ रहे हो। तो ऐसे आप क्या कर रहे हो, अपने डेटा को कंसोलिडेट कर रहे हो। जैसे कि जो मैंने चीज बोली उसको आप यहाँ पर देखें, मैं फटाफट से रिकॉर्ड एंटर कर देती हूं। सो मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखो जैसे मार्क्स मैंने कर दिए, ये डेटा मेरे पास में यहाँ पर है, यहाँ पर है, एंड इसको मैं कुछ नाम दे देती हूँ। जैसे लेट सपोज दिस इज यूनिट टेस्ट 1, दिस इज UT 2, एंड दिस इज UT 3, ठीक है, एंड दिस इज UT 4, ठीक है, एंड दीज आर मान लीजिए कुछ फाइनल हैं आपके, ठीक है, फाइनल स्कोर, ठीक, सॉरी इसमें डेटा में जा रही हूँ। एंड अभी देखो आपको क्या करना है, यहाँ से देखो आपको काउंट करना है, सम करना है। मैं आपको एक बता देती हूँ, अब आपको यहाँ क्लिक करना है, क्योंकि आपको रेंज स्पेसिफाई करनी है कि आप किसका डेटा प्लस करना चाहते हो। तो जैसे अब मैंने रेंज स्पेसिफाई करके ऐड किया, यहाँ पर आई, दोबारा से मैंने इसका रेंज बताया, ठीक है, ऐड किया, यहाँ पर आई, तीसरी जो हमारी स्प्रेडशीट है, ठीक है, उसको किया, ऐड किया, एंड आई एम कमिंग हेयर UT 2 या UT 4 जो भी है उस पर आ रही, एंड देन ऐड किया, ठीक है, तो चारों हो गई। अब मैं मोर पर क्लिक करूंगी। सो लिंक टू सोर्स डेटा, देखो इसमें क्या होगा कि अगर आप इसको अनचेक करेंगे ना, और अगर आप एक पर चेंज करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। तो इफ यू वॉन्ट कि अगर आपने किसी में भी चेंज किया एंड यू वॉन्ट कि आपको वो चेंज दिखाई दे, तो आप उसको चेक करेंगे। I'm clicking on this okay, and now see here, सारा डेटा आपका कंसॉलिडेट हो गया, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ से कैल्सी निकाल लेते हैं, जैसे ये राधा के नंबर हैं, तो राधा के नंबर 34 प्लस यूनिट टेस्ट में थे। अच्छा, मैंने ये डेटा भी चेंज नहीं किया है ना, मतलब मार्क्स भी चेंज नहीं किए, तो यहाँ डेटा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास में कितना था, 34 और 4 बार आया है ना, तो फाइनल स्कोर में 136 है। सो लाइक हाउ वी आर एबल टू डू द कंसोलिडेशन, राइट। तो ये था 5 मिनट के अंदर टॉपिक, एंड आपको ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। बाय बाय।
एंड यस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. आपको अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे. बाय.